शिव लगातार टीना को चिढ़ाते हुए हैप्पी बर्थडे डियर बोलते रहते हैं। शिव की इस हरकत पर टीना गुस्सा हो जाती है और भड़कते हुए कहती है कि डियर डियर मत करना, लड़की कंफर्टेबल नहीं है तो डियर मत करो, तुम्हारी कोई क्लास नहीं है। लड़ाई के बाद टीना काफी रोती हुई भी आती है नजर। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। बिग बॉस के घर में कैप्टेंसी के बीच के रिश्ते हर दिन बनते बिगड़ते रहते हैं। टीना दत्ता एक दिन पहले तक शिव ठाकरे और उनके ग्रुप संग खास बॉन्ड शेयर कर रही थी, लेकिन अब टीना के शिव से जंग छिड़ गई है। नए प्रोमो में टीना और शिव की जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है, जिसके बाद टीना काफी रोती हुई भी नजर आ रही है। नए प्रोमो वीडियो में टीना दत्ता और शिव ठाकरे एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच जुबानी जंग भी चल रही है। टीना और शिव की लड़ाई नॉमिनेशन टास्क के दौरान होती है। वीडियो में शिव ठाकरे टीना दत्ता पर तंज कसते हुए कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टीना, स्माइल करो, बर्थडे गिफ्ट मिलेगा। शिव के तंज पर टीना भड़क जाती है और चिल्लाती हुई कहती है, तमाशा जो बना रहे हो ना, आपकी असलियत बाहर दिख रही है। गिरे हुए नीच इंसान हो, इतना तो सीखा ही होगा ना, सब दिखावा करते हो। शिव लगातार टीना को चिढ़ाते हुए हैप्पी बर्थडे डियर बोलते रहते हैं। शिव की इस हरकत पर टीना काफी गुस्सा हो जाती है और भड़कती हुई कहती है, डियर डियर मत करना, लड़की कंफर्टेबल नहीं है तो डियर मत करो, तुम्हारी कोई क्लास नहीं है। शालिन टीना को शांत कराने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन टीना गुस्से में भड़कती हुई कहती है, मैं क्या डरती हूँ क्या इन लोगों से। वेल दोस्तों, को बता दें कि बीते दिन टीना दत्ता ने अपना बर्थडे मनाया है, लेकिन बर्थडे पर टीना की उनकी दोस्तों से लड़ाई ही हो जाती है। ऐसे में टीना ने किसी से बात नहीं की और ना ही उनके बर्थडे को स्पेशल बनाया गया। बर्थडे पर टीना काफी अकेला महसूस कर रही थी, दोस्तों से दूरी टीना को खल रही थी। टीना को दुख है कि उनके किसी भी दोस्त ने उनसे बात नहीं की। वही शालिन से बात करते हुए वो इमोशनल हो जाती है और उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। टीना शालिन से इस दौरान बात करती है कि कोई दोस्त नहीं है शालिन, स्टैन ने सुबह से एक बार भी मुझे चेक नहीं किया, ये वही स्टैन है जिसे मैं अपना दोस्त मानती हूँ। निमृत ने भी सुबह दोपहर शाम चेक नहीं किया, कम से कम साजिद सर ने आईना तो दिखाया मुझे, उन्होंने मुझे बोला क्या तुझे सच में लगता है यहाँ पर कोई दोस्त है, तो मैंने कहा था कि हाँ लगता तो है, तो उन्होंने मुझे बोला तू बेवकूफ है। और ऐसे में टीना रोने लग जाती है, उसकी आंखों में से आंसू बहने लग जाते हैं। टीना रोते हुए इस दौरान कहती है, पूरी दोपहर पूरी शाम किसी ने नहीं पूछा, किसी के बर्थडे पर तो मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। जैसे शिव मजाक उड़ा रहा था, ऐसा कौन करता है शालिन रियल लाइफ में, मैं अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ। दरअसल दोस्तों बता दें कि टीना चाहती थी कि घर की अगली कप्तान वो बने। उन्होंने शिव से भी उनके फेवर में बात करने की बात कही थी, लेकिन जब बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाकर शिव से पूछा कि वो किसे कैप्टन बनाना चाहते हैं, तो इस दौरान उन्होंने टीना की बजाय निमृत कौर अहोलियावाला का नाम ले लिया। ऐसे में टीना भड़क गई और उनकी शिव और निमृत से जमकर बहसबाजी हुई और इस तरह शिव और निमृत संग टीना की दोस्ती में आ गई दरार। अभी दोस्ती फिर से हो पाएगी या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।